नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था कैसे आप साइबरपंक 2077 खेल सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि भाई इसे मैं पीसी में खेलना चाहता हूँ, तो इसे मैं पीसी में कैसे खेल सकता हूँ, प्लीज वीडियो बनाए। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए, खासकर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ कैसे आप साइबरपंक खेल सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एंड विदाउट कोई हैवी फाइल इंस्टॉल किए। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है, ये नहीं कि वीडियो को स्किप करके देखना है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, और जितने भी नेसेसरी फाइल्स के लिंक है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको नीट की फाइल जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सवाल हो कि भाई मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट बता दूं, तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम रैम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 मिनट है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करो, डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला। एंड बस आपको टोटल डाउनलोड करना है 600 MB एंड आप गेम खेलने के लिए रेडी है। तो ये कोई फेक की वीडियो नहीं होने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले प्रूफ दिखाने वाला प्लीज। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, जाके सब्सक्राइब तो कर दो। देखो यार, हॉटस्टार नेटफ्लिक्स में आप पैसा देके सब्सक्राइब करोगे, लेकिन भाई के चैनल को बस सब्सक्राइब करने में बोल रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा। तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के ले आ चुका हूँ साइबरपंक आपके पीसी या लैपटॉप पे। बिना डाउनलोड किए कैसे प्ले कर सकते हैं हम साइबरपंक अपने पीसी या लैपटॉप पे, चाहे आपके पास 2GB रैम हो, चाहे आपके पास 3GB रैम हो, और ग्राफिक कार्ड का यहाँ पर कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास 2GB रैम है और आपके पास 512 MB ग्राफिक कार्ड है तो भी आप साइबरपंक को खेल सकते हैं। इनफैक्ट साइबरपंक क्या, हर एक पीसी गेम आप खेल सकते हो। तो कैसे खेलना है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर एलडी प्लेयर को ओपन कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से लेके डाउनलोड कर लेना आप। आपका एलडी प्लेयर खुल जाएगा, सिंपली आपको सेटिंग्स पे आना है। एंड यहाँ पर जो मैंने सेटिंग करके रखा है मोबाइल में, आपको यहाँ पर ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है 480। अगर आपके पास दोस्तों 4GB रैम है तो आप DPI को 480 में करके रखें, और 2GB रैम है तो सिंपली 320 में DPI को करके आपको सेलेक्ट करके इसे रन करना है। एंड यहाँ पर CPU की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास 2GB रैम है तो प्लीज़ यहाँ पर आप 2 कोर रखें, और अगर आपके पास 8GB रैम है या उससे अपर रैम है तो यहाँ पर आप 4 कोर के रखें। तो सिंपली मैं रिकमेंडेड 4 कोर को करता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको अब आना है मॉडल्स में, यहाँ पर आपको एक बार रैंडम कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको ये EMI नंबर को आपको S10 कर लेना है, सेफ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर रिस्टार्ट मांगता है तो रिस्टार्ट कर लेना, बस आपको इतना ही करना है दोस्तों। अब क्या करना है, सिंपली आपको फटाफट से अपने जीमेल से यहाँ पर लॉग इन हो जाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से लॉग इन करके रखा हुआ है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको APK का आपको यहाँ आइकन दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको टैप करना है। एंड जिस भी डायरेक्टरी में आपने चीकी को इंस्टॉल करके रखा है, तो सिंपली मैंने इसे डाउनलोड में रखा है, सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करना है। एंड जो आपका जो चीकी क्लाउड गेमिंग है वो आपकी एलडी प्लेयर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपली आपको अभी इसे ओपन करना है, परमिशन मांगे सिंपली आपको अलाउ कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप किसी से भी लॉग इन हो सकते हैं, फेसबुक या अपने जीमेल अकाउंट से। तो सिंपली यहाँ पर मैं जीमेल अकाउंट से लॉग इन हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सक्सेसफुली साइन इन हो चुके हैं। सिंपली आपको अपना एक निक नेम यहाँ पर डाल देना है, तो यहाँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, कुछ भी सेलेक्ट करो, लेकिन आप 18 साल तक या 18 साल से ऊपर होना तो सेलेक्ट करना तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स मिलेंगे, मतलब GTA 5, मतलब ऑलमोस्ट सभी PC गेम्स आपको मिल जाएंगे जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। इनफैक्ट आप इसमें फॉल गाइस भी खेल सकते हो, बट यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है, हमें ये साइबरपंक खेलना है। तो सिंपली हम साइबरपंक पे क्लिक करते हैं, एंटर पे क्लिक करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली बता दूँ कि अगर आपका यहाँ पर जो टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, तो सिंपली आपको नया फ्रेश ईमेल आईडी पे क्रिएट करना है, एंड सिंपली वही प्रोसेसर लॉगिन का प्रोसेस करना है, देन आपको फिर से आप खेलने के लिए रेडी है। तो अनलिमिटेड ईमेल आईडी बनाओ एंड अनलिमिटेड टाइम के लिए खेलो। सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, प्ले पे क्लिक करते हैं, डन करना है। एंड यहाँ पर जो है कि आपका नेटवर्क को भी ये ऑप्टिमाइज करेगा, जैसे आप प्ले पे क्लिक करोगे
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऑप्टिमाइज़ कर रहा है एंड मेरा वन यहाँ पर मैं ओके करता हूँ एंड यहाँ पर जो है आपका आपका वेटिंग लिस्ट लिखेगा, यहाँ पर मेरा 30 नंबर है वेटिंग लिस्ट। एंड बहुत ही दोस्तों यहाँ पर अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरा देखो बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ पर कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आप रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अगर करते हो तो आपका आराम से यार बहुत ही जल्दी गेम स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप प्ले नाउ में अगर आपके पास अगर आप रिचार्ज कराना चाहते हो, कुछ पैसे हैं आपके पास, तो यहाँ से फास्ट ट्रैक यहाँ से आप ले सकते हो, तो फटाक देना जो आपका गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा गेम कितनी देरी में स्टार्ट होता है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही आपका जो नंबर आ जाएगा सिंपली आपको 24 सेकंड के अंदर यहां पर एंटर हो जाना है। तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा एंड यहां पर आपको की मैपिंग कुछ दिखेगा एंड यहां हमारा जो गेम है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम की मैपिंग करेंगे, मेक श्योर कि आप की मैपिंग करना और बैक के बटन में गलती से चले जाओ तो यहां कम टू बैक गेम में करना, आप गेम में वापस आ जाओगे एंड यहाँ पर जो पिंग है वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो सिंपली हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं इसे एंड अब हम की मैपिंग करेंगे। तो की मैपिंग एकदम ध्यान से देखना क्योंकि हर एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड की मैपिंग एनेबल, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड ये वाले पे लाना है, ठीक है गाइस। एंड मेक श्योर कि इसे आप थोड़ा छोटा कर लें, मतलब बराबर, ये नहीं कि छोटा ना छोटा या छोटा ना बड़ा, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से आपको यहाँ पर बैठाना है एंड बाकी ये जो छोटे छोटे बटन सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें एंड जो जो आपको बटन्स दिए हैं सिंपली वो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर के है तो मैं के ऐड कर लूँगा, वी है तो वी ऐड कर लूँगा, यहाँ पर एफ दिया है, यहाँ पर अपने को जे ऐड करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर अपने को ओ ऐड करना है, यहाँ पर अपने को पी ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर अपन एम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर अपन जेड ऐड कर लेते हैं, ये हो गया अपना सी, ठीक है, और ये हो गया अपना टी, यहाँ पर एक्स ऐड कर लेते हैं अपन, यहाँ कंट्रोल हम ऐड नहीं करेंगे अभी, ठीक है, अभी अपने कंट्रोल ऐड नहीं करना है, सिंपली हम यहाँ टैब में ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा आर एंड थोड़ा इधर हम इधर करते हैं इसे क्लिक करना है एंड आपको माउस के अपने लेफ्ट क्लिक में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप सिंपली राइट क्लिक कर लें, ठीक है। राइट क्लिक के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक शूटिंग का बटन दिख रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली आई थिंक ये राइट क्लिक हो लेफ्ट क्लिक हो गया, अच्छा अच्छा तो ये लेफ्ट क्लिक में आ गया, ये राइट क्लिक में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अपना जो काम हो चुका, अब अपने को माउस के सेंसिविटी वाला जो मेन चीज़ है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये है आपका माउस का सेंसिविटी वाला, ठीक है। तो इसे हम चेंज करके कंट्रोल में कर लेंगे एंड ये हो गया हमारा राइट क्लिक। अब इसे दोस्तों आपको यहाँ पर इसे एक मिनट इसे अपन थोड़ा कम कर लेंगे 45 एंड यहाँ भी इसे हम 40 में कर लेंगे, ठीक है। तो इसे एक बार ध्यान रखना, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर की मैपिंग करना है। तो एक बार की मैपिंग देख लेना मेरे वेबसाइट में, तो वेबसाइट में मैं अच्छे से आपको की मैपिंग बता दिया हूँ। यहाँ पर मैं इसे मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है, 2 नंबर कर लेता हूँ, तो ऐसे इसका काम नहीं आने वाला है। तो सिंपली हम सेफ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो हमारा की मैपिंग है वो सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे ही आप कंट्रोल दबाओगे तो यहाँ पर जो आपका माउस है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा माउस अच्छे तरीके से काम कर। अब चलिए हम गेम को स्पेस दबा के ऑन करते हैं। दो GB रैम होना चाहिए और इंटेल का 512 MB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और आप साइबर पंक खेलने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पर अपने को ग्राफिक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, अपने को ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो इस गेम को खेलना चाहते हैं अपने PC या लैपटॉप पर। हाँ दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर करके जाना और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज़ बहुत ही टाइम लगा है, ठीक है। तो मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।